इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये मेरे चैनल का फर्स्ट ब्लॉग होने वाला है एंड फर्स्ट ब्लॉग में मैं स्टार्ट कर रही हूँ, अपने इवनिंग टाइम से फर्स्ट ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं मूवी जो है समझ मूवी डॉक्टर वेज वॉलवर 2। तो काफ़ी ट्रेंडिंग में है, कोई मूवी देखने जा रहे हैं और हालत में बिल्कुल मत जाना, अभी रेडी होने का टाइम है। तो अभी मैंने अपना आउटफिट चूज़ कर लिया है एंड आप लोगों को भी ज़रूर दिखाऊँगी मैं अपना आउटफिट। तो अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने, थोड़ी ही देर में आप लोगों को दिखाऊंगी मैं क्या हेयर स्टाइल करती हूँ, क्या पहनती हूँ। और आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट करना तो मैं भूल ही गई, मैं ये चाहती हूँ कि जो जो लोग मेरे वीडियोस को देखे और अगर मुझसे कुछ गलती हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, आपसे ये गलती हुई वो गलती हुई है। और ये चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें और ना हो सके उतने जल्दी मुझे ग्रो मिले यूट्यूब में। एंड मेरा सब बहुत दिनों से ड्रीम था कि मैं एक यूट्यूबर बनूँ, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रहा है, जो बोरवेल्स होते हैं ना उसका काम चल रहा है हमारे नेबर में थोड़ा, इसीलिए। तो चाहती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं एंड अभी हमारा टाइम हो रहा है 4:19, काफ़ी लेट भी हो चुका है, मैं रेडी होने जाऊँगी अभी। और आज का आउटफिट मेरा काफ़ी अच्छा होने वाला है मुझे लगता है, वो टी शर्ट मुझे आज मेरे मासी ने मुझे गिफ्ट किया है, वो टॉप, तो आप लोग भी ज़रूर देखिएगा, मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। तो मैं बाहर से अंदर आ गई क्योंकि बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा था एंड अभी मम्मी मुझे आके टाइम बताती है कि हमारा मूवी 5:40 से स्टार्ट होगा। सो अभी था टाइम है, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलूंगी जब मैं रेडी हो रही होंगी और अपना आउटफिट भी दिखाऊंगी। चलिए पूरा दिखाते हैं हम क्या क्या करते हैं, कितना एंजॉय करते हैं। और चलिए ज़्यादा हो गया लगता है ओवर एक्टिंग थोड़ा, बट कोई नहीं, बाय, थोड़ी देर में फिर से मिलते हैं हम लोग। तो मेरा हेयर स्टाइल मम्मा ने कर दिया हूँ और टी शर्ट भी मैंने लिया है और अभी मैं रेडी हूँ, जस्ट अभी मेकअप करना है, तो मेकअप करके आप लोगों से मिलते हैं। जाते जाते भी शुरू कर एंड एक लुक देख लीजिए मेरा लुक का, अभी टाइम नहीं है, सॉरी फ्रेंड्स, अभी चलते हैं फिर शूट करते रहूँगी। तो हम लोग पहुँच गए हैं अभी एंड अभी हम जा रहे हैं और आते टाइम मैंने शूट नहीं किया बाइक में क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था, तो शूट करने को नहीं हुआ, प्रॉब्लम हो रहा था। तो अभी मैं जा रही हूँ, मेरे मम्मा ने भी मना कर दिया था आते टाइम शूट करने के लिए। अभी मैं हमारा सिनेमा हॉल अपोजिट साइड के है मॉल में, ये साइड में नहीं, तो बहुत ज़्यादा अभी चलना है, मैं जा रही हूँ धीरे धीरे पीछे पीछे, बाकी लोग सारे लोग सामने जा रहे हैं। तो चलते जाओ चलते जाओ। तो थोड़ी देर में फिर से शूट करती हूँ, अभी लोग मुझे घूर रहे हैं पीछे से कि क्या कर रही है बोल के। तो और ये मॉल ना काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है मुझे, तो चलिए और थोड़ी दूर है और उसके बाद आप लोगों से मैं मिलती हूँ।
हमेशा होता है और no, 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 no. हाय मेरी बहन आज मुझसे गुस्सा है क्यों पूछो क्यों क्यों इसे गुस्सा आ रहा है कि मैं इसे छोड़ के गई और क्योंकि ये पेपर जाके आ चुकी वो मूवी देख के और अभी हमारे साथ लेके जाना था उसे पर हम नहीं लेके गए इसीलिए अभी उसको गुस्सा आ रहा है तो अभी मैं चेंज करके एक ट्री ब्रेक लूंगी एंड हम आते टाइम शूट नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ से हम ऑलरेडी मूवी के लिए लेट हो चुके थे जितना भी शूट किया हुई है उसके बाद निकाल के हम लोग वहाँ से निकलने के बाद हम थोड़ा शॉपिंग कर लिए फ्रॉक्स वगैरह ड्रेसेस एंड अभी यहाँ पे हमारे रूम में बन रहा है चिकन तो ये मेरी मासी बना रही है मिशा शेफ और इसका नाम क्या है मासी जी तो इसका नाम है ग्रीन चिकन आई थिंक ग्रीन हरा भरा कबाब और यहाँ पे ये है चाय तो मैं चेंज कर लेती हूँ फ्रेंड्स से मिलते हैं और यहाँ पे मेरी बहन है क्या हो लिजा कोक पी रही हो तुम क्यों ठीक है तो मैं चेंज करने के बाद मिलते हैं फ्रेंड्स बाय मेरे फ्रेंड्स मैंने चेंज कर लिया है एंड ये मेरा न्यू ड्रेस है मैंने आज ही लिया है नहीं अभी लिया है स्टिकर भी नहीं हटा मैंने उसी से एंड अभी मैं मेरे रूम में आई हूँ क्योंकि मेरे चाय पीने का मन नहीं था गर्मी में आके चाय भी ना बोले तो प्रॉब्लम है तो चलिए आज आप लोगों को मैं इतने से थोड़े से फ्री टाइम में यही दिखा देती हूँ कि मैंने आज क्या क्या लिया और डोंट माइंड कि इसमें मेरी मम्मा के भी हैं ड्रेसेस मेरी बहन कहीं से भी आ रही है फ्रेंड्स लपट लपट के और मेरे पीछे पड़ जा रही है तो मैं यहाँ पे फ़ोन रख देती हूँ तो आज और मूवी के बारे में पूछे तो अच्छा था मूवी बहुत अच्छा था और मूवी देखने के बाद मेरे साथ ये इंसिडेंट नहीं होने वाला था मैं आज व्लॉग नहीं बनाने वाली थी इससे पहले ही अपलोड करने वाली थी और मैं इसीलिए अपलोड नहीं कर पाई जब मैं पठान देखने गई थी तो मेरा फ़ोन मुझे घर में छोड़ना पड़ा और मम्मी का फ़ोन भी घर में ही छूट गया शूट करने के लिए क्योंकि बाई चांस हम लोग जब चले गए तो मम्मी का फ़ोन भी छूट गया तो मेरे मामा जी का फ़ोन से हम लोग और उनके फ़ोन में मुझे शूट करने में अच्छा नहीं लगता है आईफोन से मुझे तो पता नहीं लगता कैसे क्या करते हैं इसीलिए मैं नहीं करती और किया भी नहीं मैंने उस दिन मेरी बहन भी थी घर में तो मुझे मेरा फ़ोन छोड़ना पड़ता है ऐसा कभी कभी तो पर मम्मी का फ़ोन भी छूट गया बोलते मैं उस दिन ब्लॉग नहीं बना पाई काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चल रहा था उस दिन ब्लॉग बनाने का मेरा फर्स्ट ब्लॉग अपलोड पर नहीं हो पाया अभी मेरी बहन मेरा सर जो दर्द हो रहा है उसे दुगना दर्द कर देगी पीछे से लीजा कमिया तो चलिए टी शर्ट्स वगैरह दिखाते हैं मम्मा और मैं कब की जाने का सोच रहे थे पर हमें टाइम नहीं मिल रहा था तो ये वाला मम्मा ने लिया है एंड ये काफ़ी क्यूट सा है फ्रेंड्स येलो कलर में अरे पिज़्ज़ा ये तो प्लीज नहीं तो आप लोगों ने देखा ना तो ये मुझे देने वाली थी एंड दूसरा वाला हमारा काफ़ी ज़्यादा लाइट ग्रीन कलर में है ये क्यूट से नहीं पीछे से दिखा रही है पैंट्स लिए है और वो इतने अट्रैक्टिव नहीं है तो क्या छोड़िए अभी मेरी मासी फ्राई कर रही है चिकन एंड दिखाया था मिंट चिकन था वो बना रही थी नहीं है कपड़ा नहीं है देखो तो मिंट चिकन है तो ना वो जब तक वो फ्राई कर रही है ना तो तब तक हम मेरी बहन और मैं रूम में आई हुई है तो सामने सामने शूट करते जाते हैं और ये व्लॉग रात तक चलेगा और तो मेरा ये दो दिन थोड़ा हेल्थ पे अच्छा नहीं चल रहा था फुल वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस वगैरह वगैरह हो रहा था एंड इसीलिए मैं शूट नहीं कर पाई थी बहुत दिन थी हे फ्रेंड्स तो हमारी Ah!
हमारी सुमो दुल्हन बन गई है। इतना गुस्सा किसके ऊपर? मेरे ऊपर इतना गुस्सा गुस्सा आ रहा है। खा ले ये सुमो अभी काटने के बाद प्यार आ रहा है इसको मेरे ऊपर। मैं मेकअप रिमूव करने के बाद अपने स्किन में लगाती हूँ मॉइस्चराइजर, एंड मॉइस्चराइजर लगाने के बाद स्किन को ऐसे छोड़ देती हूँ जिससे ये सॉफ्ट हो जाए। मॉइस्चराइजर लगा लिया और अभी हम बालों को निकाल लेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइट बंद हो गया है और रात में इतना ज़्यादा टाइट हेयर मैं ले रखती हूँ। तो गुड नाइट एवरीवन, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरा फर्स्ट ब्लॉग पसंद आए, एंड अगर मुझसे बाय चांस पर वीडियो में गलती भी हो गई हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ना ही उल्टा सीधा कमेंट कर दीजिएगा सीधा। तो कुछ अगर मिस्टेक हो गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, मैं नेक्स्ट टाइम से मिस्टेक नहीं करूँगी और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। गुड नाइट।